कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने चित्तौड़गढ़ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार कृषि बजट पेश होने जा रहा है। आने वाले कृषि बजट से न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि ये कृषि बजट किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आगामी कृषि बजट को लेकर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया से खास बातचीत की हमारे सहयोगी पीके अग्रवाल ने। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया चित्तौड़गढ़ के दौरे पर हैं और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है अब दौरे पर हैं तो राजनीतिक बात भी होती है। बात करने की कोशिश करेंगे। पहली बार कृषि बजट आ रहा है जिस प्रकार से पिछली बार घोषणा की थी, कैसे देखते हैं आप इस कृषि बजट को? देखिए, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने गत बजट में घोषणा की थी कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार इस वर्ष कृषि का अलग से बजट पेश किया जाएगा और उनकी मंशा है कि किसान की आमदनी कैसे बढ़े, कम लागत में पैदावार कैसे बढ़े, आर्थिक रूप से किसान कैसे मजबूत हो, उसके परिवार में कैसे खुशहाली रहे और जो समय समय पे विपरीत परिस्थितियों में किसान अपने परिवार के पेट पालने का काम करता है। मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि नई तकनीकी के साथ में, क्योंकि राजस्थान एक बहुत बड़ा भूभाग है और यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति कहीं हनुमानगढ़ गंगानगर जैसे ज़िले हैं, कहीं जोधपुर पाली सांचौर नागौर एक तरफ है, हमारा कोटा बूंदी झालावाड़, तो कहीं पानी की समस्या है, कहीं ज़्यादा पानी की समस्या है, कहीं ज़्यादा बरसात की समस्या है, कहीं ओलावृष्टि हो जाती है। इन सब चीज़ों से उबार कर समय समय पर किसान को कैसे सहायता पहुँचाई जाए। आधुनिक टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ड्रिप का नवाचार हो चुका है, स्प्रिंकलर आ चुके हैं और नई नई तकनीकें ईजाद हो रही है। उसके साथ में पशुधन है जो किसान की बहुत बड़ी ताकत है। पशुधन में हम नस्ल सुधार का काम कैसे करें और जो दुनिया में नई तकनीकी है उसका उपयोग करें, सॉर्टेड सीमन आ गया, इसी प्रकार हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर है, मार्केटिंग बोर्ड है, इन सबके मिला जुला के किसान को ताकत देने का काम राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री 23 तारीख को नया बजट पेश कर रहे हैं। कृषि का पहली बार अलग से बजट पेश हो रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि 23 तारीख को आने वाला जो बजट है वो राजस्थान के किसानों के लिए खुशहाली लेके आएगा। निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक ताकत मिलेगी और जो मार किसान को बार बार पड़ती है उसमें सरकार सहयोग करने का पूरा काम करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी हाल ही में विधानसभा में जवाब दे रहे थे और निश्चित तौर पर ये बात साफ भी है, केंद्र सरकार ने कहा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको पता ही है एक साल तक जिस प्रकार से आंदोलन चला है, क्या लगता है इस प्रकार के आंदोलन की स्थिति राजस्थान में न बने, इसके लिए क्या लेके आ रहे हैं बजट में? देखिए, ये बात सही है कि प्रधानमंत्री जी बार बार करेंगे हम किसान की आय दुगनी करेंगे और जो आंदोलन चला है वो सबके सामने है, पर मुख्यमंत्री जी की मंशा है, मैंने बताया ना आपको, कि कम लागत के अंदर पैदावार ज़्यादा हो। मैं सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, चर्चा है कि नई बिजली कंपनी कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए बनाने जा रही है, सरकार इस प्रकार पर विचार चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? उसकी अभी पूरा तो मालूम नहीं है पर स्टडी चल रही है कि उसके बारे में, क्योंकि आजकल सोलर एनर्जी का मामला आ गया तो हम किसानों को सोलर के कनेक्शन भी दे रहे हैं और हमने करीबन लगभग 23,000 से ऊपर हम किसानों के खेतों में सोलर एनर्जी कनेक्शन कृषि विभाग के द्वारा लगा चुके हैं। बिजली विभाग भी अपना वो कर रही है और जो बार बार रात को बिजली देने की जो समस्या है उससे भी निजात दिलाने की बात मुख्यमंत्री जी के मन में है। तो ये थे लालचंद कटारिया, इनका साफ शब्दों में कहना है कि आने वाला कृषि बजट न सिर्फ ऐतिहासिक होगा बल्कि जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं उनसे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज चित्तौड़गढ़।